सवाई माधोपुर उपखंड मलारना डूंगर बामनबास के ग्राम बटोदा व मलारना डूंगर की सड़कों पर घूम रही आवारा गाय शहर के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रही है। लगातार इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, जो न सिर्फ आवागमन को बाधित कर रहा है बल्कि इससे एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ गया है। सबसे अहम बात कि पशुओं के मालिक की लापरवाही के कारण रोजाना ऐसी स्थिति निर्मित होती है। आवारा पशुओं के रोकथाम के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए और दूसरी तरफ पशुओं के मालिक पर जुर्माना भी करना चाहिए, ताकि वे पशुओं को यूं आवारा ना छोड़े। वहीं प्रशासन को गौशाला का प्रबंध कर जल्द समस्या से निजात दिलाना होगा। हमको सरकार की तरफ से ऐसा जगह दी गई थी जी, हमने हमारे निजी खर्चे 1,00,000 रुपये लगाकर उसको तार कसी करवाई है जी, और उसमें भी हेडपम्प की व्यवस्था की गई है जी, लेकिन तीन सेट नहीं होने की वजह से अभी गायों को रखना उचित संभव नहीं है जी। हमने इसके लिए पूर्व जो अपने विधायक डीए कुमार जी उनको भी पत्र लिख रखा है जी, और यहाँ आम जनता से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जी, इस कारण चद्दर की व्यवस्था हो नहीं पा रही। जब तक चद्दर की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम गायों को उसमें रखेंगे। जनता सहयोग क्यों नहीं कर रही है? जनता सहयोग इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनके अंदर अभी यह वो नहीं हुआ कि यहाँ गौशाला के लिए जब पक्की ज़मीन जब तक नहीं मिलेगी वो सोच रही है कि ये गौशाला चलेगी या नहीं चलेगी। बल्कि हमारा कर्तव्य है कि तीन चेन लगते ही हम इसको तुरंत भाव से चालू करेंगे। हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम जितने भी बीमार गाय है और जैसे कीड़े पड़ रहे हैं, कोई एक्सीडेंटल गाय है, उनको अधिक रूप से हम उनको रखने की व्यवस्था हम सोच रहे हैं। इससे जो दुर्घटना बढ़ रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? दुर्घटना बढ़ रही है उसके लिए हमने जब हमारी गौशाला खुलेगी तो हम सारी गायों को एक साथ उसमें बंद करेंगे। इससे किसानों को भी फायदा होगा। किसान जो रात को सर्दी में ठिठुर कर जो अपनी खेती की रखवाली करते हैं उनको रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, और हम जितनी भी गायें अपने जो मलारा डूंगर आसपास के एरिया में जितनी भी है उनको हम इकट्ठा करके हमारे गौशाला में बंद करेंगे। इसलिए हम अभी तीन सेट के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मलारा डूंगर गौशाला में तीन सेट लगे और गायों को एक सहारा रूप घर मिले।